वॉइस न्यूज 18 में देश विदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल से जुड़ने व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीदेव नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, किशन रेड्डी जी, जनरल वीके सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, विजय कुमार दुबे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, स्थानीय विधायक, और श्रीलंका से हमारा विशेष अतिथि मोस्ट वेनरेबल वस्कादुमा महिंदा रंसा महानायक थेरो, हेड मॉन्क ऑफ द वास्कादुवा रेलिक्स टेम्पल श्रीलंका, ऑनरेबल द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका नमल राजापक्सा जी, एक्सीलेंसीज द एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टू इंडिया, मोस्ट वेनरेबल मॉन्क्स नन्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय है जो हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को बुद्ध भगवान को दिया है। आज हम सब कुशीनगर में एकत्रित हैं और इतने विक्षुर गुणों के साथ में कुछ समय हमको यहाँ बिताने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का भी उद्घाटन हुआ। हम कई सालों से सोचते थे कि मैं सिर्फ एक बौद्ध होने के नाते ही नहीं, एक भारतीय होने के नाते हमेशा ये सोचते थे जिस बुद्ध भगवान को दुनिया को दिया है, इस पवित्र धरती में, इस कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट कब मिलेगा, और वो सपना आज पूरा हुआ है। आज का दिन अभिधम्म का दिवस तो है ही, और आज ही का दिन भगवान बुद्ध का तुषिता से प्रवचन देकर के धरती पे संकिसा में लौटने का भी दिन आज ही है। आज के दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी जन्मदिवस है। हर दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। दुनिया में सिर्फ बौद्ध ही नहीं, कई लोग इस जगह में आना चाहते हैं, और मैं कई दुनिया में जब भी गए, और खास करके एक बौद्ध को या एक बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों को जब मिलता हूं, तब ये सुनने को मिलता है कि उसके जीवन काल में सबसे बड़ा इच्छा वो है भारत में एक बार जरूर आने का, और जिस धरती में बुद्ध भगवान चले हैं, जहां बुद्ध भगवान ने अपना संबोधि प्राप्त किया है, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, उस स्थान में जीवन काल में कम से कम एक बार आने का हर एक बौद्ध का इच्छा होते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का दायित्व है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि दुनिया के लोग जब इस पवन धरती में आना चाहते हैं, उसको आने का सुविधा प्रदान करना ये हमारा देश का एक कर्तव्य है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने सोच विचार के साथ भारत का कर्तव्य को पूरा करने का काम किया है और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। और आज के दिन जब हमारे देश में कई देशों के राजदूतों का यहां आगमन हो रहे हैं, श्रीलंका से बड़े प्रतिनिधिमंडल
12 सदस्य दल के सहित 123 प्रतिनिधियों वाला जो बड़ा मंडल इस पवित्र स्थल पर आया है, तो ये साबित होता है कि बुद्ध धर्म ने हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। चाहे वो रशिया के अंदर में कालमखिया हो या बुरकातिया हो, तुवा हो या मंगोलिया हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, या दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम हो, कंबोडिया हो, या लाओस हो, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, या किसी भी देश में आज ये संदेश गया है कि अब बुद्ध जहां पैदा हुआ और जहां दुनिया को संदेश दिया, उस पवित्र धरती में पहुंचने के लिए हवाई मार्ग पूरा खुल गया है। चाहे बोध गया में हो, चाहे सारनाथ पहुंचने के लिए वाराणसी में एयरपोर्ट हो, चाहे कुशीनगर हो, अब यहां से कुशीनगर से लुम्बिनी भी 1.5 घंटे का रास्ता है। अब पूरे के पूरे रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ आज हवाई कनेक्टिविटी हो गया है। मैं मेरे ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के और खास करके कुशीनगर के आसपास जितने भी यहाँ बसे हुए हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये बरसों का सपना आज साकार हुआ है, पूरा हुआ है। और मुझे भी इस पवित्र दिवस पर, इस खुशी के अवसर पर आपके बीच में आने का और कुछ पल बुद्ध भगवान का दर्शन करने का मौका मिला है। और जो श्रीलंका से बौद्ध अवशेष जो आए हैं, उसका दर्शन करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं। आप सबको आज के इस पवित्र दिवस पर साथ में मैं बुद्ध भगवान को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद दे, हमारे जिंदगी में खुशहाली आए और इस धरती में शांति बनाए रखे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू का। देवे सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध कितने प्राचीन और कितने घनिष्ठ रहे हैं और हैं, क्योंकि 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा